हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवाणी क्लासेस में, जहां हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसकी हमारी सेकेंड यूनिट है बच्चों एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, जिसका हमारा टॉपिक क्या है आज का, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आज हम इसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि जो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी। दिस वेव इक्वेशन इज डेराइव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी वो किसके लिए दी गई थी? इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए किस लिए दी गई थी? कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां ज्यादा पाया जा सकता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, इसलिए श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी थी इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो देखो, दिस वेव इक्वेशन इज डेराइव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। टू डेराइव दिस वेव इक्वेशन ही यूज्ड टू इक्वेशंस। इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए दो इक्वेशंस का यूज किया गया था, फर्स्ट क्लासिकल वेव इक्वेशन एंड सेकेंड डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय श्रोडिंगर। इस इक्वेशन को किसने डिस्कवर्ड किया था? श्रोडिंगर ने। सो इट इज ऑल्सो नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसलिए इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। दिस इक्वेशन फाउंड इन टू टाइप्स। ये इक्वेशन दो तरीके से पाई जाती है, टाइम इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड इज टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस टाइप से, बिकॉज द वेव फंक्शन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिपेंड्स ऑन टाइम एज वेल एज पोजिशन। क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो वेव फंक्शन होता है वो टाइम पर और पोजिशन पे, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाय मेकिंग वन कॉन्स्टेंट, अगर हम इनमें से किसी एक को कॉन्स्टेंट कर दें तो वॉज ऑब्टेंड विद रेस्पेक्ट टू अदर, तो दूसरे को उसके रेस्पेक्ट में हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे टाइम को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो पोजिशन इंडिपेंडेंट मिलेगी हमें इक्वेशन, अगर हम पोजिशन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टाइम इंडिपेंडेंट, पोजिशन इंडिपेंडेंट, यानी कि क्या होगी ये टाइम इंडिपेंडेंट, ये यहाँ होगा टाइम डिपेंडेंट। ठीक, अगर हम पोजिशन के एस्पेक्ट पे करते हैं तो वो कैसी होगी? टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो बच्चों अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं कैसे होगी। देखो, वी नो डेट, हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी होती है हमारी वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम वी क्या होता है इसमें हमारा, क्या होता है? एम वी मोमेंटम। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम, तो एम वी स्क्वायर। तो अगर हम इसमें क्या करें, एम से मल्टीप्लाई कर दें, एम वी से तो मल्टीप्लाई करते हैं और एम से क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? हाफ एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या होता है मैंने बताया था आपको, क्या होता है? मोमेंटम पी एम इंटू वी, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और ये टू एम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम मोमेंटम की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन टू एम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही किया, हमने क्या किया, टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वी इंटू एक्स। ठीक है, ये होगी हमारी क्या? पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट आई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम फंक्शन साई एक्स से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई साई एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू में साई एक्स प्लस वी एक्स इंटू साई एक्स। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद क्या होगा, जो हमारा साई एक्स फंक्शन होता है उसकी वैल्यू हमारी होती है साई एक्स इज इक्वल टू ई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड ट्वाइस, यानी कि दो बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार करा तो क्या है, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इंटू साई एक्स इज इक्वल टू आई आई इंटू के इंटू आई के एक्स माइनस ओमेगा डी। ठीक है, इसके बाद डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, आई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू साई एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है आई स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या है, ई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, साई एक्स के इक्वल, साई एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, ई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे, साई एक्स रख दिया हमने, तो आई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू साई एक्स इज इक्वल टू, के की वैल्यू होती है हमारी पी अपॉन एच कट। ठीक है, तो हम इस के की वैल्यू रख देंगे, फिर क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू आई स्क्वायर, के की जगह हमने क्या रख दिया, पी अपॉन एच कट, एच कट स्क्वायर है तो इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू
क्या है साई एक्स, साई एक्स ऐसे का ऐसे ऐसे ही, फिर क्या होगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी माइनस वन, तो इसकी जगह माइनस वन रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के पी पी स्क्वायर अपॉन एच का डी स्क्वायर इंटू साई एक्स, डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, देखो इस पी स्क्वायर साई एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे इस पी स्क्वायर साई एक्स को इधर ले जाएंगे, ठीक है, और इस एच कट को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखो पी स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू माइनस के एच कट हमारा किसके पास चला गया डी स्क्वायर के पास, माइनस के एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स। ठीक है, ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर फोर। अब क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर साई एक्स इन इक्वेशन सेकंड, इस पी स्क्वायर साई एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड यानी कि इसमें किसकी वैल्यू रखी हमने पी स्क्वायर साई एक्स की, तो देखो ई साई एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर, जहां पी स्क्वायर साई एक्स की वैल्यू ये रख देंगे तो माइनस के एच का स्क्वायर टू एम ऐसे ही रहेगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस बी एक्स बी एक्स इंटू साई एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे देखो ये जो बी एक्स है इसे यहाँ ले आएंगे हम, ठीक है, ये जो एक्स वाली टर्म है इन्हें इधर ले आएंगे। ठीक, तो ई साई एक्स ई इंटू साई एक्स माइनस पॉजिटिव में तो यहाँ जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, माइनस के बी एक्स इंटू साई एक्स प्लस ये एच कट स्क्वायर हमारा इधर आ जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फाइव। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे टू एम से और डिवाइड कर देंगे एच कट स्क्वायर से। ठीक है, यहां तक नोट करें, इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम इसको जो हमारी इक्वेशन फाइव आई थी उसे हम टू एम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और एच कट स्क्वायर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा जब इसे टू एम से मल्टीप्लाई करेंगे और एच कट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, फिर इंटू में क्या आ जाएगा ई इंटू साई एक्स, ऐसे कैसे रहेगा माइनस, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू बी एक्स इंटू साई एक्स प्लस, यहाँ पे भी क्या करेंगे टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर से क्या कर देंगे टू एम से मल्टीप्लाई और एच कट स्क्वायर से डिवाइड, इंटू में क्या हो जाएगा ऐसे एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ऐसे रहेगा, फिर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे इस टू एम से मल्टीप्लाई में दोनों टर्म तो क्या हो जाएगा ये टू एम इससे कैंसिल हो जाएगा और ये एच कट स्क्वायर इस एच कट स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होगा देखो ये दोनों यहाँ पर ये टर्म बची है हमारे पास। ठीक, ये बचा और ये बचा, अब क्या हुआ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर हमारा देखो दोनों जगह है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें इसे कॉमन ले सकते हैं तो हम इसे कॉमन ले लेंगे टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया क्या बचा ई साई एक्स माइनस बी एक्स इंटू साई एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ई साई एक्स माइनस बी एक्स इंटू साई एक्स प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आ गई हमारी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी क्या थी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट क्योंकि किसी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है देखो एक्स एक्स फंक्शन पे यानी कि पोजिशन पे, तो क्या होगी ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी और ये किसके लिए थी वन डी, जब कोई पार्टिकल हमारा वन डी स्पेस में मूव कर रहा है उसके लिए थी ये इक्वेशन। हम इसे बच्चों उसमें भी दिखा सकते हैं 3D में दिखा सकते हैं यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर टाइप से, जैसे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी 3D के लिए उस टाइप से हम इसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करें। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी टाइम इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बच्चों जहां मैंने अभी वो लिखाया था ना आपको डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड लिखाया था उसे इक्वेशन थर्ड लिख लेना। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका इक्वेशन नंबर थर्ड का। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।